सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक लोडेड। और आज मैं ट्रैवल व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ, मेरा 4 दिन का टूर है आगरा मथुरा वृंदावन का। तो यहाँ से अभी दनी शाडू, अभी ट्रेन में बैठा हूँ मैं। 7:50 की ट्रेन है ये, तो अभी ट्रेन में बैठे हैं अभी दनी शाडू। यहाँ से भाई भी है जो मेरे साथ चल रहा ट्रिप पे, यहाँ मेरे साथ मामी भी है। दनी शाडू ने आ ली है, तो आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा कैसा रहेगा। पूरे 4 दिन का व्लॉग हुआ ये, तो पूरे व्लॉग जो है अपने चैनल पर अपलोड करूँगा मैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो हेलो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं आगरा। यहाँ पर सुबह 7 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे मतलब ट्रेन रुकी है हमारी, और 7 बजे हम जाकर आगरा पहुँचे हैं। मतलब रात को 8 बजे चले थे, तो अब जाके 7 बज चुके हैं। तो 11-12 घंटे सफर था हमारा। अब ट्रेन अभी यहाँ से उतरे हैं अभी हम, तो अभी अभी होटल पे जाएंगे, चेक इन करेंगे, फिर वहाँ से अपनी जितनी भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर जाएंगे हम। सबको पूरा आगे दिखाता हूँ ब्लॉग में क्या होता है। तो अभी हम सुबह सुबह देवीराम मार्के हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ की कचौड़ी समोसे वगैरह जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ की आगरा की सबसे फेमस शॉप है ये। तो ये शॉप है, अगर आप आगरा आते हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं कचौड़ी वगैरह खाने के लिए, सुबह नाश्ता करने के लिए। काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ की, मतलब काफ़ी हमारे काफ़ी ओल्ड शॉप है ये। यहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो अब यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको नाश्ता वगैरह खाना। तो अभी तो हम नाश्ता करके अभी देखते हैं कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, तो कहाँ पर जाना है प्लान देखते हैं सब पूरा भी। तो आपको पूरा ब्लॉग में दिखे आगे हो। तो गाइज अभी आ चुके हैं हम फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर अभी हम बुलंद दरवाजा देखने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर बुलंद दरवाजा, अभी यहाँ पर चलना पड़े, यहाँ पर जाते तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, तो पीछे पड़ जाते हैं थोड़ा, मतलब कि यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर उनसे बच के रहिएगा, खुद जा सकते हैं आप, ऐसा बता रहे हैं आपको। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर को, देखते हैं पूरा जाएंगे ऊपर को। यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ बुलंद दरवाजे पे जा रहे हैं ऊपर, ये पूरा बुलंद दरवाजा है। गाइड वगैरह बहुत पीछे पड़ जाते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। बार बार कहते रहते कि गाइड हायर कर लिए, गाइड हायर कर लिए, उससे थोड़ा बच के रहिए। पूरे यहाँ से शहर पूरे यहाँ से दिख रहा है वैसे, अभी ऊपर जाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। तो फाइनली पहुँच चुके पूरे बुलंद दरवाजे टॉप पे, पूरा ऐसे दिखता है यहाँ का। तो इसके अंदर जाते हैं अभी, पर पहले थोड़ा फोटो करेंगे इसके। आप जो आपको इंस्टाग्राम देखने मिलेगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको इंस्टाग्राम पे, आपको शिफ्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बुलंद दरवाजे के अंदर आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा हमें घूम भी लिया। यहाँ पर ये दरगाह है, तो पूरा ऐसा व्यू है यहाँ का बुलंद दरवाजे के अंदर का, जैसे आप देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट हम जाने वाले हैं पंचमहल पे। नेक्स्ट हमारा जो स्पॉट होगा पंचमहल होगा, तो आपको आपकी लोकेशन आपको दिखाऊंगा मैं कैसी यहाँ की। तो अभी हम थोड़ा बुलंद दरवाजे से ऊपर को आए। यहाँ में ये मैप है, यहाँ पर सारे मॉन्यूमेंट्स दिखे हुए हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो टोटल 47 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर दिखे हुए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कौन से मॉन्यूमेंट्स जा पाते हैं। ये सब इसी रास्ते पर है, तो अभी उसको जाएंगे, दिखाएंगे आपको पूरी ब्लॉग में ये। तो अभी हम जा रहे हैं जोधाबाई के पैलेस में। ये पूरा ऐसा दिखा है यहाँ पर, मतलब जितनी भी रसोई वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, तो अभी सबको आपको पूरा व्यू मिलेगा। तो ये है जोधाबाई पैलेस। धूप काफ़ी है यहाँ पर आज, हम नवंबर के टाइम पर आ गए तब यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो अभी हमें मरियम पैलेस पे, यहाँ पर ये पूरा, तो यहाँ से ये पूरा व्यू है यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर, काफ़ी गर्मी भी हो रही है, तो काफ़ी थक चुके हैं हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 1-2 घंटे से घूमने लगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर अभी हम यहाँ पर अभी जोधाबाई पैलेस गए थे, उससे पहले हम बुलंद दरवाजे गए थे, ये मरियम पैलेस पे, ये सब एक जगह पर ही आसपास ही है, तो पूरा डिस्कवर करें इसको अभी। तो अभी यहाँ पर हम गार्डन में आए, नीचे पंचमहल भी है, मतलब पंचमहल के यहाँ पर हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर अभी हम पंचमहल के पास है, ये पंचमहल है यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि जितने भी फ्लोर्स हैं, मतलब जितनी भी स्टोरीज हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर होगा उसके नीचे वाले फ्लोर से ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, मतलब जो उसकी हाइट होगी ज़्यादा होगी वो। यहाँ ये पूरा गार्डन है, ये पूरा डिस्कवर करते हैं इसको भी, आगे देखते हैं पूरा क्या क्या आगे। ये पूरा व्यू देखिए आप, इसके शॉट्स जो है थोड़े से मतलब बीरोल टाइप के जो है, उसमें ब्लॉग में डालेंगे इसको पूरा हम, आपको देखिए आपको पूरा वो, आपके कुछ उसकी फोटोज वगैरह जो होंगी आपको इंस्टाग्राम पे भी दी जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं इसको।
सो हेलो गाइस, अभी यहाँ पर आ चुका हूँ चोकोजीमन रेस्टोरेंट में मैं। ये एक मारवाड़ी राजस्थानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर यहाँ पर जैन फूड मिलता है। यहाँ की स्पेशलिटी है कि पूरा यहाँ पर जो वाइब है पूरी राजस्थानी वाइब है, जैसे आप यहाँ पूरी राजस्थानी वाइब है इनकी पूरी। ये जो डेकोर एम्बियंस वगैरह सब कुछ पूरा राजस्थानी, स्मेल भी राजस्थानी जैसी है इनकी। यहाँ की जो स्पेशलिटी फूड है, यहाँ पर ये थाली मिलती है, जैसे हमें आप देखते हैं 200 रुपये की थाली है यहाँ पर। ये तो आप जितना अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, उतना जितना आपको खाना है उतना खा सकते हैं। पर आप जैसे आपको और चाहिए दाल और ऑल इससे, रोटी आपको और चाहिए ऑल इससे, तो ये ऐसा माना जाता है कि आगरा के वन ऑफ दी बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो अगर आप आगरा आते तो आप रास्ते हैं। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगा। मैं जो डे वन का ब्लॉग था मेरा फतेहपुर सीकरी का, उसको यहीं पर एंड करूँगा। तो इसके बाद अब मैं कल जाऊँगा आगरा, तो उसके कल आगरा का ब्लॉग आएगा, मतलब ब्लॉग टू जो आएगा आगरा का ब्लॉग।